सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु IAS, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन योर GS पेपर टू और यू कैन सी दैट सीसेट। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पीवीए का सेशन 13 है, बट आज ये थोड़ा सा अलग रहने वाला है, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और अपडेटेड क्वेश्चन है, क्लियर। तो किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन हमने पिछले सालों में देखे हैं, किस तरह क्वेश्चन नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चन आज मेरे पास रहने वाले हैं, क्लियर। देखिए, मैं अभी भी कहूँ ना, तो जो मेरे को 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिल चुके हैं ना, उसको लेके ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, जब स्टूडेंट्स को ये होता है ना कि एक डेट फाइनलाइज हो जाती है, फिर उनका माइंड सेट वही रहता है, और अगर वो डेट एक्सटेंड हो जाती है ना, फिर क्या लगता है कि नहीं अब तो यार थोड़ा रिलैक्स हो सकता है। बट रिलैक्स एक सेकेंड के लिए भी नहीं होना, रिलैक्स एक सेकेंड के लिए भी नहीं होना, क्योंकि मेरा काम आपको बताना, इसीलिए हम नंबर वन है, कि मेरा काम आपको सावधान करना कि जो आप तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ हमारे, देखिए बहुत अच्छे अच्छे सेशन आ रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के हम ऑलमोस्ट 12 सेशन कर चुके हैं, उसके पहले भी हम 50 लेक्चर्स लगा चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम पर टॉपिक पढ़ रहे थे, क्लियर, जिसमें नंबर सिस्टम के मेरे ख्याल 7 से 8 के अराउंड लेक्चर्स थे। तो उन लेक्चर्स को पिछलों को देखिए, बहुत अच्छा चीज़ आपको मिलेगी, बेस क्लियर होगा, क्लियर। अगर अच्छे तरीके से आपने बेस क्लियर करना है तो मैं आपको भी बता दूँ, वी हैव नंबर इज 9517716 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लियर, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और अगर आपको पूरा कोर्स करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। माइक्रो कोर्स के थ्रू भी अपनी तैयारी को एक नया मुकाम, नया लेवल दे सकते हैं। वो सारी चीज़ें क्या हैं, धीरे धीरे लेक्चर्स में आपको बताता रहूँगा, लेक्चर के अंदर बताऊँगा एक एक चीज़ डिटेल में। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ये मेरे पास जहाँ तक मुझे लग रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस है। अ मैन कंप्लीटेड सर्टन जर्नी बाय अ कार इफ़ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 60% ऑफ डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर, देन वट वॉज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। देखो मेरी बात सुनो, एवरेज स्पीड होता क्या है, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, एवरेज स्पीड मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यही होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये मेरे पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो, मैन कंप्लीट्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार 30% का मतलब 3/10, ठीक है, 3/10 एट अ डिस्टेंस स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 60% का मतलब क्या हुआ, 3/5। मैंने माना कि मेरा टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर था, मैंने माना कि मेरा जो टोटल डिस्टेंस था वो 500 किलोमीटर था, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है वो मेरे पास, अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, अब क्योंकि मेरे को कोई ऐसा नंबर लेना है जो 10 और 5 दोनों से बेसिकली कैंसिल आउट हो, ऐसा नंबर मुझे चाहिए, ऐसा नंबर मुझे मिल चुका 500, क्लियर। अब देखो जरा, 30% ऑफ डिस्टेंस, इसका 30%, इसका 30% कितना हो मेरे पास, 150, यानी 150 किलोमीटर एट अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ कितना, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, 150 इज इक्वल टू कितना, 30 इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना है मेरे पास, यहाँ से टाइम कितना आ गया, 5 घंटे आ गया, यानी मेरे पास T1 कितना आ गया, 5 घंटे आ गया मेरा, इज इट इट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है मेरे पास, 60% ऑफ डिस्टेंस, यानी इसका 60%, इसका 60% कितना होगा, 6×5=300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की स्पीड से कर रहा है वो, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा मेरे पास, 15 आवर लगेंगे, क्लियर। नेक्स्ट कितना बचेगा, 300 × 450 50 किलोमीटर बचा, ये 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं हम, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ कितने घंटे लगे, 10 आवर मेरे को यहाँ पे लगेंगे, क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 500 / टोटल टाइम, T1 कितना, 5 घंटे, T2 कितना है, 15 घंटे, T3 कितना है, 10 घंटे, तो 500 / कितना आ गया, 20 × 10 = 5, 10 = 20 आ गया, ठीक है, ये 15 है, 15 × 5 = 20 × 10 कितना आ गया, 30 आ गया मेरे पास, तो कितना आ गया, 50/3 कितना हो मेरे पास, 50/3 इज 16.67 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर D वॉज द राइट आंसर, क्लियरली। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 42/45/2% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज बाय 40 रुपीज एंड 35 रुपीज रिस्पेक्टिवली, देन द प्रॉफिट ऑन दैट आर्टिकल विल बी 15%, यानी 15%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करिए शाबाश,
ट्राई नहीं करेंगे तो होगा भी नहीं। नंबर मैं बता रहा हूँ, देखो ट्राई करना तो ये ऐसे करो, नंबर इज 9517771651। इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर दो, कोई डाउट है वो भी भेज दो, आई विल डेफिनेटली टेल यू। क्लियर? चलिए क्या दिया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 42/45/2%। देखो अगर मैं 45/2% की बात करूँ और क्या करूँ 1/100, तो 5×45=20, तो 9/40 आ गया। यानी स्टूडेंट अगर मैं बात करूं सीपी एंड एसपी की, एक बात ध्यान से सुनो, जब भी मेरे पास सीपी एसपी की बात होती है ना, जब तक डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, बात बस ध्यान रखना, इतनी सी ध्यान रखनी है। मैंने बोला है 40x है, तो एसपी कितना हो गया, 49x हो गया। 49x हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर? अब देखना जरा वो क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 40 कॉस्ट प्राइस, देखो ये कितना हो गया 40x प्लस कितना हो गया 40 हो गया, और ये कितना हो गया 49x प्लस 35, ये इतना बढ़ गया, ये 35 बढ़ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट बात मुझे क्या बोली जा रही है कि मेरे पास जो प्राइस है 15% इंक्रीज हो गया, 15/100 यानी 5×15=20, यानी 20 रेशो कितना हो गया मेरे पास 23। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जहां तक मुझे याद है, अभी नहीं किया तो पहले किया होगा, बट किया जरूर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, अब इसका मतलब क्या है, 40x+40/49x+35=20/23। ये मुझे अब कहाँ फाइंड आउट करना और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्लियर? 40x+40=20×49x+35। क्लियर? 35, देखो 23×4 कितना होगा 92x, यानी 920x प्लस अगेन 920=980x+700। होपफुली ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मुझे क्या बताना है, मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है ना, तो 40x की वैल्यू करनी है, तो इसको रहने देता हूँ मैं, बाकी सारा हम रब आउट कर देते हैं। क्लियर? चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, 980 - 920 - 920x=920 - 700। चलेगी बात? क्लियर चलेगा? बिल्कुल क्लियर चलेगा। तो ये कितना हो गया 60x = 220, x = 11/3, तो x की वैल्यू कितनी 11/3। बस अब मुझे 40x की वैल्यू निकालनी है, तो 40x कितना हो मेरे पास, सीबी कितना स्टूडेंट 40×11/3 यानी कितना 440/3, ये कितना हो देखो मेरे पास 3×3=4, 3×4=12, 0 = 126, 2/3, तो ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। क्लियर करके देख लो, 40×3 कितना आएगा प्लस 2/3, तो इतना ही आ रहा है 146, 2/3 6×18 = 14, 4×3 = 420, 6×18 = 38, 40, बिल्कुल जितना ही 440/3। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप एक फुल फ्लैज कोर्स में आइए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं लैग आ रहा है। ठीक है, देखो MCQs में सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस करा सकता हूं, बट अगर थ्योरी पढ़नी है तो बैच में आना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी के अभी अवेल कीजिए। ठीक है, इस नंबर पर अगर आप कॉन्टैक्ट कर लोगे ना और बताओगे कि यूट्यूब के थ्रू आप जुड़े हो, तो डेफिनेटली आई विल गिव यू डिस्काउंट, पर्सनली कह रहा हूँ मैं। तो कुछ भी डिस्काउंट हो मिलेगा डेफिनेटली आपको। चलिए नेक्स्ट इज, अ मैन अ वूमेन और अ बॉय कैन डू अ जॉब इन 30 days, 60 days, and 90 days रिस्पेक्टिवली, हाउ मैनी बॉयज मस्ट वर्क विद 5 men and 4 women टू फिनिश द सेम वर्क इन 3 days। देखो क्या दिया, मैन कितने दिन में कर रहा है मेरे पास 30 days, अच्छा वुमेन कितने दिन में कर रहा है मेरे पास 60 days, और बॉयज़ कितने दिन में कर रहा है मेरे पास 90 days। क्लियर? तो कुछ मत करो, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी लेके ना टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना हुआ, देखो इनका एलसीएम 90, 60 और 30, 90 * 90, 90 * 2 = 180। अब 180 ऐसा नंबर है जो 30 से भी करता है, 60 से भी करता है और 90 से भी करता है। तो मैंने मान लिया 180 मेरा टोटल वर्क है, तो ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा मेरे पास 6, 3 और 2, ये मेरे पास अलग अलग एफिशिएंसीज आ गई, यानी एक मैन की एफिशिएंसी 6 है, एक वूमेन की 3 है, और एक बॉय की एफिशिएंसी 2। अब मुझे देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी बॉयज मस्ट वर्क विद 5 men and 4 women, मतलब वो क्या कह रहा है
कि नंबर ऑफ बॉयज, मुझे नंबर ऑफ बॉयज नहीं पता वो किसके साथ काम करे, वर्क विद 5 men and 4 women टू फिनिश द सेम वर्क इन 3 days, और ये काम कितना मेरे पास 180। एक्चुअली मैं क्वेश्चन आपको ये कह रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर मैनो डब्ल्यू क्या, मैनो डब्ल्यू क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैनो डब्ल्यू है यहाँ पे ये एफिशिएंसीज, क्लियर। तो बॉयज कितना है मेरे पास 2, यानी 2 into n + 5 into मैन की एफिशिएंसी कितनी है, इसको काट दो 60 से, मैन की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 6 + वुमेन की कितनी है मेरे पास 3 = 60। तो स्टूडेंट ये कितना हो 2 नंबर ऑफ क्या है मेरे पास बॉयज प्लस 30 + 12 = 42। सो 2 into n = 60 - 42 विच इज गो मच 18। तो कितना आंसर आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर सी 9। बताओ ऐसे क्वेश्चन देखो, ये नए टाइप का क्वेश्चन है पूछा तो हुआ इसमें टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट, बट लगा क्या मेरे पास MDS। तो ये मिला हुआ क्वेश्चन है, अपने आप में एक लौटता क्वेश्चन है जो मेरे को मिला है, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पूरा कोर्स करना हो तो लिंक में, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको माइक्रो कोर्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं अपना उससे सिलेक्टेड टॉपिक, या फुल कोर्स भी कर सकते हैं आप, क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो 9517777165 इस नंबर पर कॉल करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, काम खत्म है, क्लियर। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, ये है सिंपल इंटरेस्ट है बिल्कुल। देखो अ पर्सन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 30,000 एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% इंटरेस्ट पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट एंड ऑफ 1 year इज इक्वल टू 6% पर ईयर, व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 15 सेकंड में, करो ट्राई। स्टॉपवॉच लगा दी गई है, 15 सेकंड आपके पास, करिए। चलो फटाफट करो, 10 सेकंड रह गए। 5 4 3 2 1 0। चलिए हो गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखो अ पर्सन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 30,000 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%। मतलब देखो मेरे पास क्या है, मैं 30,000 लिख देता हूँ, आप 30,000 इसको मैंने कैसे इन्वेस्ट किया, ये मेरी अमाउंट ए है, इसको मैंने इन्वेस्ट किया 5% पर एनम पे, क्लियर। एंड अनदर अमाउंट एट द सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम, ये मेरा अमाउंट बी है, यही तो मुझे निकालना है, यही मुझे फाइंड आउट करना है, ये कितने पे किया है मुझको 8% पर एनम पे, क्लियर। द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 1 year इज इक्वल टू 6%, और ये कितना अल्टीमेटली, ये मुझे निकालना है 6% पे, ए को किया 5% पे, बी को किया 8%, और अल्टीमेटली दोनों को मिला के जो मिल रहा है वो मुझे 6% भी मिल रहा है। तो हमने क्या लगाया है इसमें बताइए, एलिगेशन। मैंने इसमें लगाया एलिगेशन मेथड, क्योंकि एलिगेशन मैं शुरू से ही बोलता रहा हूँ, डे 1 से, एलिगेशन को चैप्टर नहीं है, चैप्टर मत समझो, अगर चैप्टर होता तो सिर्फ एलिगेशन में एक लिमिट में सीमित होता, बट वो स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी लग रहा है, वो प्रॉफिट लॉस में भी लग रहा है, वो आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लग रहा है, क्लियर। तो ऐसे लॉजिक्स के लिए आप जुड़े हैं नंबर वन प्लेटफॉर्म अभिमन्यु आईएएस से, और जुड़ने के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं सारे के सारे, जल्दी से जुड़ जाइए, क्लियर। चलिए देखो माइनस करेंगे, हमेशा याद रखना बड़े में से छोटा, 8 - 6 और ये कितना है 6 - 5, तो उसने ये कितना बना 2:1। देखो 2 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 30,000, कितने गुना 15,000 टाइम्स, और ये कितना है, तो सॉरी ये कितना होगा फिर, ये भी 15,000 गुना होगा, तो आंसर इज 30,000 यहाँ से, 15,000 यहाँ से, और 15,000 यहाँ से, टोटल कितना हो गया 45,000। ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट आंसर, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहने चाहिए, जल्दी से नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए सुनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए। ट्राई करें, प्रॉफिट लॉस का दिख रहा है मुझे बिल्कुल। कम ऑन कौन, शाबाश, ट्राई करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहो, कल लिखते रहो, शाबाश। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30 rupees विच इज 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो यहां से मुझे कॉस्ट प्राइस निकलेगा, नहीं पता चल रहा, बताऊंगा थोड़ी देर रुकिए। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 20% एंड द आर्टिकल इज नाउ
टू बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट 15%, देन फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस। देखो क्वेश्चन सिंपल दो चीजें कह रहा आपको कि 5% ऑफ सीपी कितना मेरे पास 30 है, 1% ऑफ सीपी कितना होगा 6, तो 100% ऑफ सीपी कितना होगा मेरे पास 600। क्या 100% ऑफ सीपी 600 होगा, यानी कॉस्ट प्राइस मेरे को पता चल गया 600। सबसे पहले यही एक चीज थी जो मुझे निकालनी थी, इसके बिना तो क्वेश्चन असंभव सा था। तो पहली लाइन से मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू थी इसमें निकालने। क्लियर, इफ कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 20%, कॉस्ट प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया, इसका 20% कितना है स्टूडेंट्स 120 होगा, यानी कितना हो गया 720, isn't it? Yes. And the article is now to be sold at a profit of 15%. Then find the new selling price. अब मेरे को देखो क्या कहा उसने, बोला कि मैंने 600 बोल के 720 का लगाया कि भाई मेरे को 720 का पड़ा है, बट वो कह रहा है 720 में भी शांति नहीं, वो कह रहा है अब क्या करना है 15% के प्रॉफिट में, यानी इसका 15% निकाल दो। देखो 720 का 10% कितना होगा 72, इसका 5% कितना होगा 36, यानी कितने पे प्लस 108 रुपये और जोड़ दो इसमें, कितना हो गया 728। दैट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉरी 828, नॉट 728, इट इज 828। क्लियर है, 828 ऑप्शन नंबर डी वॉज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होपफुली कर दिया होगा, नहीं किया तो भी कर दीजिए। फुल कोर्स ही वेट कर रहे हैं, मत करो वेट, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास अब। ठीक है, लेक्चर्स डे बाई डे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे फिर। कोर्स का लिंक दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माइक्रो कोर्सेज का भी कोई डाउट हो तो 9517716651 इस नंबर पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जो आपका दिल कर रहा है करिए, बट जुड़िए मेरे साथ। क्लियर, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा अगला। चलिए द फिलिंग एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज 4 times फास्टर देन पाइप बी। अब कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बेसिक गलती होती है, सारी चीज़ें समझाऊंगा, सारी चीज़ें करेंगे, बट थोड़ा सा वेट करके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ बी टेक्स 30 minutes टू फिल द टैंक, इफ बी टेक्स 30 minutes टू फिल द टैंक, फिल अ टैंक, देन डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय देम टू फिल अ टैंक टुगेदर। वो कह रहा है कि बी का मुझे एफिशिएंसी भी गिवन है, बी का मुझे टाइम भी गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से सिंपल एक सिनेरियो गुजर गया, मतलब आ गया कि मेरे को यहाँ से टोटल वर्क पता चल गया। बट यहाँ पे देखो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो बेसिक गलती नहीं बच्चा वो कर रहा है जो सिर्फ एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर रहा है, बट अभी मैं बताऊँगा कि गलती क्या नहीं करनी। वो कहाँ से सीखो गया, वो सीखो गया प्रॉपर एक कोर्स में सीसेट। क्लियर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, जुड़ो मेरे साथ। कोई दिक्कत है, कोई फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू आप प्लीज़ मैसेज जुड़िए। आप जब तक मुझे अपनी दिक्कत नहीं बताएंगे मैं उसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। क्लियर, मुझे भी उसे सॉर्ट आउट करने के लिए समय चाहिए, मैं एक प्रोसेस के अंदर होता सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है मैंने ठाक किया और काम हो गया, समझ आ गई बात। मुझे भी समय चाहिए, मुझे भी परमिशन चाहिए होती है। तो अगर आप जल्दी जुड़ेंगे, मुझे एक जेन्युइन प्रॉब्लम बताएंगे, आई कैन हेल्प यू किसी भी वे में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। क्लियर, और ऐसा नहीं होगा कि आपकी हेल्प ना हो। क्लियर, चलिए द फिलिंग एफिशिएंसी ऑफ पाइप इज 4 times फास्टर देन पाइप बी। देखो अगर मैं बोलूँ ए और बी मैं अगर बात करता हूँ एफिशिएंसी की, वो कह रहा 4 times फास्टर, बच्चे क्या करेंगे 4:1 लिख देंगे और यही गलती हो जाती है। 4 times फास्टर देन, ऐसे बोलते ना 4 times एज फास्ट एज बी, तब ये लिखते आप। क्या बोला मैंने 4 times एज फास्ट एज बी, बट अब क्या है देन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट कि एक तो है ही है, इसे 4 गुना यानी कितना हो गया, इस एक से 4 गुना और ऐड कर दो यानी टोटल 5 हो गया। ये क्वेश्चन का बेस था, जिस लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान समझो 4 times एज फास्ट एज ए बी या 4 times फास्टर देन बी, दोनों में फर्क है लैंग्वेजेस में, एज सुन एज, समझ आ गई बात, एज फास्ट एज और फास्ट देन, फास्टर देन। क्लियर, तो मेरे को क्या बोल रहा है बी टेक, देखो मेरे पास वर्क क्या होता है, वर्क होता है मेरे पास टाइम इंटू एफिशिएंसी, क्या यही होता है मेरे पास वर्क, यस। अब टाइम किसका दिया, बी का दिया, तो एफिशिएंसी भी किसके दिए, बी की दी है। वर्क कितना है मेरे पास, वर्क ही तो निकालना है, टाइम वो भी 30, एफिशिएंसी वो भी 1, तो टोटल काम मेरे पास कितना आ गया टोटल काम कितना आ गया 30 आ गया मेरे पास, बस यही तो चीज़ मुझे निकालनी थी। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी, वी हैव टू फाइंड आउट इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स वर्क कितना आ गया 30, टाइम ऑफ ए प्लस बी मुझे निकालना है और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी 5 + a कितना आ गया 6, कितना आ गया 5, ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत नया प्रश्न था ये। क्लियर, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लिंक दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर,
तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिजिट्स इंडिकेटेड बाय एक्स एंड वाई इन द नंबर 3532 92 XY इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 33। देखो इसका मतलब क्या है कि 3532 92 XY ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 33 है ना, 3 से भी होगा 11 से भी डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं क्या मेरे पास कोई आंसर बन रहा है। देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्लस 9 24 यानी 24 प्लस X प्लस Y डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन की तरफ जाइए, पहला ऑप्शन अगर 4 और 5 होता मेरे पास, 5 4 9 33 बिल्कुल जा रहा है, 6 करोगे 30 वो भी जा रहा है, 6 और 3 9 तो चारों ऑप्शन 3 वाले तो मेरे पास बन रहे हैं। अब 11 वाला चमत्कारी आंसर क्या आएगा देखो मेरे पास। अब 11 के लिए अगर आप जाओगे कितना आएगा भाई, +2 +2 +5 -(x+9+3+3) तो ये कितना हो गया y+9 -(x+15) = कितना 0 या 11। तो y+9 -(x-15) = 0 तो y-x कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया। तो y-x = 6 एक ही में बन रहा है, वो ऑप्शन नंबर भी है तो ये आंसर सही होना चाहिए। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड ऑफ द बोट इज 10 km/h इन स्टिल वाटर, यानी स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है मुझे, 10 km/h। क्लियर, एंड द स्पीड ऑफ द करंट यानी स्पीड ऑफ द वाटर इज हाउ मच, 4 km/h। क्लियर, अ मैन कवर्स 12 km अपस्ट्रीम टुक सम रेस्ट एंड देन कवर्ड 14 km डाउनस्ट्रीम, फाइंड द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच ही टुक रेस्ट इफ ही टुक 4 आवर टू कवर हिज इंटायर जर्नी। देखो मेरी बात सुनो, सपोज करो नॉर्मली वो किसी टाइम में करता है बट उसने बीच में क्या कर लिया, बीच में रेस्ट ले लिया, उसे हुआ क्या कि वो टोटल 4 घंटे में पहुँच रहा है, पहुँचना तो पहले ही था। अब जिसने उसको काम दिया या काम दिया कुछ भी कर रहा था वो समझदार था, कहता भाई तूने रेस्ट लिया, कह रहा सर मैंने तो रेस्ट नहीं लिया, कह रहा अच्छा तेरी स्पीड बता, उसने क्या बताया कि स्पीड ऑफ बोट इतनी है, स्पीड ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ भाई तेरी डाउन स्ट्रीम कितनी थी, वो कहेगा 14 + 4 यानी कितना, सॉरी 10 + 4। अब उसकी चोरी कैसे पकड़ी जाएगी देखना जरा, 14 km/h उसे लगा जिसने काम दिया नहीं बनेगा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आ गई, 10 - 4 यानी कितना 12 km/h। क्लियर, अब उसने बोला तू गया कैसे कैसे, वो कह रहा है 12 km अपस्ट्रीम यानी टोटल टाइम मेरे पास क्या आएगा, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, क्या यही आएगा। अब चतुर तो बन गया था बट वो ज्यादा चलाक नहीं बन पाया है ना, तो कैसे निकला, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन डिस्टेंस ऑफ सॉरी आपका स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। क्लियर, अब देखो ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम कितना है मेरे पास 12, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है सॉरी यहाँ पे 6 आएगा 6। क्लियर, प्लस डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना है 14 और स्पीड कितना है 14, तो 6 2। तो मालिक ने मैथ पढ़ा था अभिमन्यु आईएएस पे सनी सर के साथ, उसने बता दिया भाई 3 घंटे लगने चाहिए, इसका मतलब तू 1 घंटे का रेस्ट लेके आया है, तो यहाँ पकड़ा गया। अब सनी सर से सीजेट पढ़ रखा था भैया अभिमन्यु आईएएस पे, तो क्यों नहीं होगा। क्लियर, तो ऐसे मज़ेदार तरीके से आप भी पढ़िए, पूरे कोर्स में ऐसे ही बताया बड़ी शानदार तरीके से, 0 to 0 बोलता हूँ उस बैच को मैं। देखिए क्या खासियत है उस बैच के स्टूडेंट्स, देखिए मेरे पास उस बैच की टाइमिंग्स क्या, बेसिकली 3 से 4:30 और ये बैच बेसिकली मेरे 5 बजे तक चलता है। अब 30 मिनट तक क्या होता है, कहानी सुनाता हूँ इस 30 मिनट में मैं कहानी सुनाता हूँ आपको हर डेली जब जब मेरी क्लास होगी, और कम से कम हफ्ते में 4 दिन क्लास है, टोटल लेक्चर 180+ हैं, 90 लेक्चर कैसे हैं लाइव, ये एक्चुअली क्या है मेरे पास, ये मेरे पास लाइव बैच है ठीक है, ये क्या है ऑनलाइन, ये ऑफलाइन दोनों मोड में जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। क्लियर, 25 लॉजिकल रीजनिंग और 15 इसमें इंग्लिश डेडिकेटेड लेक्चर है मेरे पास। क्लियर, प्रीवियस ईयर के 15 लेक्चर्स हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के 50+ लेक्चर्स हैं, लाइव मेंटरशिप के कितने हैं 30+ लेक्चर्स हैं। ये नंबर मैं बता चुका हूँ 9517771651, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ठीक है। देखो जो लेक्चर लगा मिलेगा उसके साथ 3 चीज़ें मिलेंगी, सबसे पहले लेक्चर की PDF मिलेगी, नंबर 2 पे रिसोर्सेज मिलेंगे, नंबर 3 पे प्रैक्टिस शीट मिलेगी और नंबर 4 पे क्या मिलेगा आपको, टेस्ट मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले देखो PDF क्या है, लेक्चर की PDF मेरे पास वो डाटा होता है जो मुझे क्लास में डिस्कस करना होता है आपके साथ, वो क्वेश्चंस हैं ठीक है, थ्योरी पार्ट भी थोड़ा बहुत होगा चैप्टर का, देन रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज मेरे चैप्टर का वो पार्ट होता है स्टूडेंट जहाँ पे थ्योरी होती है, कुछ वन लाइनर हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, देन वी हैव प्रैक्टिस शीट। व्हाट इज माय प्रैक्टिस शीट, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एक्सेप्शनल है वो
दूंगा घर से करने के लिए 30 मिनट का, ये आपका डाउट सेशन है जो मैं कहानी सुनाऊंगा ना, वो इसी यही आपके 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 जो आपकी कहानी है उन्हीं को सॉल्व करके बताऊंगा, सर मैंने ऐसे किया मैंने वैसे किया, ठीक है। और ये है मेरा टेस्ट, जैसे ही मेरा कोई टॉपिक खत्म होगा, जैसे सपोज करो मैंने परसेंटेज का कोई टॉपिक कराया आपको, ठीक है, एक्सपेंडिचर का टॉपिक करा दिया, अगर वो टॉपिक 2 लेक्चर में खत्म हो तो दूसरे लेक्चर में जैसे ही खत्म होगा एक्सपेंडिचर के 10 इनकम वाले क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन उसका एक टेस्ट आपके पास जनरेटेड मिलेगा आपको, वो आप देंगे तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जो नहीं होंगे वो 30 मिनट का डाउट सेशन अपने पास है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास होता है वीकली क्लास टेस्ट, उसके बाद होता है हमारे पास वीकली क्लास टेस्ट जो कब होता है, हर संडे को 1 बजे, जिसका मैं देता हूँ आपको वीडियो सोल्यूशन, ठीक है, जिसका क्या है आपका वीडियो सोल्यूशन, क्योंकि प्रिंटेड सोल्यूशन है वही एक्स वाई जेड, बेकार बेकार से मेथड क्यों करने हैं, हम अपने स्टैंडर्ड मेथड्स करेंगे जो हम करते हैं, क्लियर। चलिए वैसे से जुड़ सकते हैं, नेक्स्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो प्लीज़ इसे आप करिए भी ज्वाइन, डन। नेक्स्ट देखिए, इन द लास्ट मेरे पास है माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो कोर्स या माइक्रो वर्स एक ऐसा नया तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप मेरे से जुड़ेंगे, आप पर्टिकुलर टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ कैसे ये हेल्पफुल है आपके लिए, कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल है। देखिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा स्टूडेंट, देखिए चूज एग्जाम करेंगे सी सेट, देखिए छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, देखिए 2100+ सिलेक्शन, 12 इन टॉप 10, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ऑल इंडिया रैंक्स फर्स्ट रैंक इन PCS, SCS एंड HAS, क्लियर। चलिए सारा सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज एस कोर्सेज हैं, अभी बीडे माइक्रो कोर्सेज यानी छोटे कोर्सेज, अनलीज द पावर ऑफ माइक्रो कोर्सेज, अचीव मैक्रो रिजल्ट विद अभीपीडिया, क्लियर। लॉग इन करेंगे तो सारी चीज़ें पता चलेंगी। चलिए देखिए जैसे मैं करूँ, अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे नंबर सिस्टम पे आप क्लिक करो, वैसे लिखा ही हुआ है हाई परसेंटेज जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, देखो 2023 में 18 क्वेश्चन, नेक्स्ट 22 में 10 क्वेश्चन, फिर 9 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन, तो अगर 80 क्वेश्चन का कोई पेपर है उसके अंदर से एक चैप्टर से आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं 15-18, तो डेफिनेटली वो लेक्चर आपके वो चैप्टर आपके से इंपॉर्टेंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मुझे क्या मिल रहा है, देखो क्या मिलेगा नंबर सिस्टम में, देखो क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, मुझे 11 लेक्चर्स मिल रहे हैं, वीडियो क्लास, 10 वेबनोट्स और 441 MCQs, जिसके अंदर क्या है 441 MCQs प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये 11 लेक्चर्स में आपके वीडियो लेक्चर्स में आपको क्या मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सोल्यूशन है वीडियो के, क्लियर, वीडियो के तौर पर, क्लियर। तो इसी तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सबका कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या आपके पास 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, इंग्लिश भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 450 के आसपास आपको इंग्लिश मिल रहा है, 440 के आसपास जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, देखो क्या मिल रहा है 371 का ये और 70 का ये, तो ऑलमोस्ट इतना ही जितना मैंने बताया था आपका, क्लियर। सी ऑल करो तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है, देखो कितने का 440 रुपीज़ का तकरीबन, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के आप अपने काउंसिल सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, यानी अपने आपके अपने सनी सर के साथ। ये हमारे पास क्या है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, अगर आपने अकेले के लिए भी लेने हो, जो बच्चा नया जुड़ रहा है ना सी सेट के लिए, जिसको डर है, वो सर के मेंटरशिप लेक्चर्स देखिए, बहुत काम आएगा, क्लियर। बाकी सारे सारे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है आपके पास, वार्म अप कोर्सेज हैं, क्लियर। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 22-23 में धमाल मचाया था, जैसे मैं अर्नब की बात करूँ 51 रैंक, सॉरी अर्नब 56, पर्स 51, जतिन 91, दिव्या 105, 61, 38, तो ये बच्चों ने GS की तैयारी को नहीं छेड़ने दिया, मतलब GS की तैयारी 1% भी इनकी डिस्टर्ब नहीं हुई, और CSAT बहुत प्यार से निकाल लिया इन्होंने, बहुत प्यार से क्वालिफाई कर लिया, चलिए क्लियर। और यही बातें इन्होंने यहाँ लिखी हुई है, थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम फॉर द एफर्ट दैट यू ऑल हैव पुट इन माय जर्नी, अर्नब ने लिखा, आई एम थैंकफुल टू द एंटायर टीम, इंटरव्यू प्रिपरेशन एट अभिमन्यू अंडर बंसा सर, गिव मी रियल इनसाइट विच हेल्प मी टू परफॉर्म इफेक्टिवली, अमरिंदर सिंह लिख रहे हैं, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नंबर आपको बता चुका 9517771651, और सारे सारे लिंक दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थैंक यू, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, थैंक यू।